सोलन में किसानों का किसी भी हालत में शोषण ना हो, इसको लेकर जहां प्रदेश सरकार कदम उठा रही है, वहीं एपीएमसी भी सख्त कदम उठाने जा रही है। ये जानकारी एपीएमसी सोलन के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि किसान सारा वर्ष मेहनत करते हैं और अपनी फसलों को वह सोलन की सब्जी मंडी में लेकर आते हैं। कई बार उनका पैसा आरटीओ के पास फंस जाता है। उनकी मेहनत का पैसा ऐसे ना फंसे, उनका किसी भी तरह से शोषण ना हो। सोलन में किसानों का किसी भी हालत में शोषण ना हो, इसको लेकर जहां प्रदेश सरकार कदम उठा रही है, वहीं एपीएमसी भी सख्त कदम उठाने जा रही है। ये जानकारी एपीएमसी सोलन के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि किसान सारा वर्ष मेहनत करते हैं और अपनी फसलों को वह सोलन की सब्जी मंडी में लेकर आते हैं। कई बार उनका पैसा आढ़तियों के पास फंस जाता है। उनकी मेहनत का पैसा ऐसे ना फंसे और उनका किसी भी तरह से शोषण ना हो। अधिक जानकारी देते हुए एपीएमसी सोलन के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने कहा कि सोलन में किसानों की मेहनत का पैसा आढ़तियों के पास ना फंसे, इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पहले अगर आढ़ती किसी ढंग से किसानों की खून पसीने की कमाई को हड़पने की कोशिश करता था तो उस पर कार्यवाही करने के लिए कोई सख्त कदम नहीं था, लेकिन अब आढ़तियों से एपीएमसी 5 लाख रूपए से लेकर 50 लाख तक की सिक्योरिटी मनी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले आढ़ती बिना आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन के सोलन सब्जी मंडी में व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बड़े ठोस कदम उठाने जा रहे हैं सरकार के माध्यम से। एक तो इनकी 5 लाख से लेकर 50 लाख तक की बिजनेस के मुताबिक सिक्योरिटी अमाउंट रखा जाएगा, और दूसरे लाइसेंसियों की हमने अपने लेवल पे किया है एक मैसेज फैसिलिटी प्रारंभ किया, आपने जैसे पहले सुना होगा, तो उस मैसेज फैसिलिटी को हमने अप्रैल मई में प्रारंभ कर देना सीजन से पहले। तो उसमें हम सबकी लिस्ट बनाएंगे कि कौन आढ़ती है इसमें हैं हमारे पास, कौन नहीं है, और जो बाहर से हमारे बायर्स आएंगे उनको भी रजिस्टर्ड करेंगे इस बार। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।